इजी uh, पैसा के जिससे हमने डिस्कस किया आप ईजी पैसा की शॉप पे जाके भी पेमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास ऑनलाइन टोकन जनरेट हो जाए तो पहला स्टेप ये है कि एज अ मर्चेंट आपको अपने आप को ईजी पैसा की वेबसाइट पर जाके रजिस्टर करवाना पड़ता है उसके बाद आपको यूनिक स्टोर आईडी एक एक एलोकेट कर देते हैं और उसके बाद आपको uh, कोई बैंक अकाउंट बताना पड़ता है हमारे केस में माइक्रो माइक्रोता माइक्रो फाइनेंस बैंक कोई एक अकाउंट डिटेल बतानी पड़ती है तो वो बिहाइंड द सीन्स ये करते हैं कि इजी पैसा का जो गेटवे है वो अकाउंट नंबर से लिंक हो जाता है और इन बिटवीन कुछ और स्टेप्स भी होते हैं आई मीन मैनअल प्रोसेस होते हैं कि द मोमेंट यू सबमिट द एप्लीकेशन उसके बाद कुछ इंडिविजुअल कन्फर्मेशन कुछ वेरीफिकेशन जो कोई भी नॉर्मल बैंक करता है या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं डिटेल्स मांगते हैं उसके बाद वो आपको एक यूनिक नंबर एलोकेट कर देते हैं मर्चेंट uh, नंबर कर देते हैं और उसके बाद uh, आपको और डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हैं कि हाउ टू इंटीग्रेट इजी पैसा इनटू ऑनलाइन स्टोर इससे मुराद ही होती है कि जब इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं तो uh, कुछ इंटीग्रेशन ओवर द क्लिक हो जाती है और कुछ इंटीग्रेशन ओवर आई मीन यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है तो ईजी uh, पैसा के अंदर आपको ये कुछ सैंपल कोड प्रोवाइड करते हैं उसको यू यू हैव टू प्ले अराउंड विद अ कोड सो इन दैट परस्पेक्टिव जो ईजी पैसे की इंटीग्रेशन है वो uh, वो थोड़ी सी थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो आई विल ट्राई कि हम इसको एक होलिस्टिकली डिस्कस कर लें कि पेमेंट इंटीग्रेशन करनी कैसे है लेट सी के मर्चेंट अकाउंट ओपन करने के लिए व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप सो स्टूडेंट्स मर्चेंट अकाउंट ओपन करने के लिए इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस सिंपल इस वेबसाइट पे जाएं ईजी पैसा डॉट कॉम डॉट पी के ये सारा यू लिखा हुआ है इसके बाद एज अ बिजनेस आपको अपना स्टोर नेम देना है बिजनेस एड्रेस देना है वैलिड बिजनेस एड्रेस एंड दे डू वेरीफाईड सिटी बताएँ प्रोविंस बताएं कॉन्टैक्ट पर्सन नेम बताएँ कॉन्टैक्ट पर्सन नंबर बताएँ ई एड्रेस बताएँ एंड टाइप ऑफ बिजनेस बताएँ ऑनलाइन है रिटेल है बोथ है उसके बाद आप जो कैप्चा है उसको फिल करें जस्ट टू मेक श्योर यू आर नॉट अ रोबोट और उसके बाद आप ये ये सबमिट कर देंगे तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप फिर ये अपनी इंटरनल बैंक वेरीफिकेशन करता है अपने बैंक प्रोसीजर के साथ वेरीफिकेशन करता है एंड वंस एवरी थिंग इज कम्प्लीटेड और ये अमूमन कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं रिलेटेड टू योर बिजनेस डिटेल्स पेमेंट्स हिस्ट्री एंड सो ऑन वंस एवरी थिंग इज डन उसके बाद ये आपको एक यूनिक स्टोर आई और कुछ डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं टू इंटीग्रेट दिस इजी पैसा सोलूशन यानी इसके बाद आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट रिसीव करना यूज़ कर सकते हैं विद द डिटेल्स दे, दे प्रोवाइड आई I मीन mean, डायरेक्टली नहीं कर सकते आपको शॉपिंग कार्ड कोड बेस में जाके आपको कुछ कोड लेवल पर जाके चेंजिंग करनी पड़ती है उसके बाद आप पेमेंट रिसीव करना शुरू कर देते हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फाइनेंस इज इन्वॉल्व सो दे आर वेरी वेरी कॉन्शियस दैट्स पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब आप ई e कॉमर्स की सोल्यूशन के अंदर कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड प्रोसेसर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो फ्री नहीं आएगा इट विल चार्ज यू सो जो करंट रेट्स हैं उसके हिसाब से आप यहाँ देखें इस वेबसाइट पर जाएं इजी पैसा डॉट कॉम डॉट पी के इजी पैसा डैश ऑनलाइन डैश फॉर डैश बिज़नेस यहाँ पर अगर आप मोबाइल अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो जो अमाउंट है उसका एक परसेंट आपकी फीस होगी अगर आप इजी पैसा शॉप पे कर रहे हैं तो दो परसेंट लुक खेयर पे वाया डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दिस वुड बी थ्री परसेंट यानी अगर कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पे इजी पैसा के थ्रू डेबिट कार्ड या क्रेडिट uh, कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहा है वाया इजी पैसा तो ये तीन परसेंट सॉर्ट ऑफ सर्चार्ज या फी उसको पे करनी पड़ेगी नाउ इट डिपेंड अपॉन कंपनी टू कंपनी कि कंपनी जो ये ये थ्री परसेंट है खुद इनकर करती है यानी अगर सौ रुपये अमाउंट है तो यूज़र सौ रुपये ही दे लेकिन जो एक्स्ट्रा तीन रुपये हैं वो कंपनी खुद पे करे या वो कस्टमर को कहें कि जी वो एक सौ तीन रुपये पे करें अगर उन्होंने डेबिट कार्ड के थ्रू या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी है तो इट ऑल डिपेंड सो तो ये अमाउंट भी आपको आपको कंसिडर करनी पड़ती हैं जब भी आप कोई पेमेंट सोल्यूशन इंटीग्रेट करने की तरफ जाते हैं